गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। आज हम मैथ में नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, एडिशनल विद लाइंस। क्या करते हैं? एडिशनल विद लाइंस, ड्रॉ थ्री लाइंस, फोर लाइन से ड्रॉ करके बताएंगे हम। आज हम क्या करते हैं इसमें, एडिशनल विद लाइंस, लाइन से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो ये थ्री है, ये फोर है, तो कितनी लाइन ड्रॉ करनी है हमें, थ्री। कितनी करनी है? थ्री, वन टू थ्री। फिर आगे कितनी है? फोर। तो कितनी लाइन ड्रॉ करोगे हम, कितनी करेंगे? फोर करेंगे। कितनी लाइन करेंगे? फोर, वन टू थ्री फोर। ये थ्री हो गया और ये फोर हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। कितनी लाइन्स हो गई ये? सेवन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेवन आ जाएगा। कितने आ जाएगा? सेवन आ जाएगा, ठीक है। कितनी लाइन ड्रॉ की हमने? वन टू थ्री, ये थ्री है, थ्री किया, ये फोर है, वन टू थ्री फोर। अब दोनों को ऐड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। कितने आ जाएंगे? सेवन आ जाएंगे, ठीक है। हम इनको फिंगर से भी कर सकते हैं, जैसे अपनी फिंगर पे कितनी, सबसे पहले थ्री है तो थ्री क्या करेंगे, वन टू थ्री। फिर थ्री के बाद कितनी है? फोर। तो हम क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर लाइन कर ली। अब यहाँ से इनको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो क्या जाएगा? सेवन। ध्यान रखना है फोर है, तो फोर के बाद हमें कितने काउंट करने हैं? थ्री। तो फोर के बाद कितने आते हैं? फाइव। कितने आते हैं? फाइव। फाइव के बाद आती है सिक्स। थ्री तक ही है, तो सिक्स के बाद कितने आते हैं? सेवन। कितने हैं? थ्री हैं, तो ये हो गए थ्री। देखो फोर, फोर हो गई, फोर लाइन खींच ली। अब फोर से नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट डिजिट कौन सी होती है? फाइव होती है, तो थ्री लाइन कर ले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोर से नेक्स्ट क्या होता है, फाइव सिक्स सेवन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेवन आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? सेवन। फिर देखो बिल्कुल ईजी बताऊंगी, ये वन है, ये वन है, वो तो आसानी से बता दोगे। ये वन है वन, और ये वन है टू। कितने हो गए? टू। लाइन ड्रॉ करोगे तो वन वन वन, ये वन ये, तो कितने हो जाएंगे? टू हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? टू हो जाएंगे। फिर देखो अब है टू और फोर। अब ये टू है, ये फोर है। सबसे पहले हम फोर करते हैं, फोर लाइन ड्रॉ करते हैं, वन टू थ्री फोर। अब कितनी लाइन है? टू है, तो कितनी करेंगे? वन टू। अब देखो फोर, फोर के बाद कितने आते हैं? फाइव। फाइव के बाद सिक्स। कितने तक करना है हमें? टू तक ही करना है। तो वन टू थ्री और ये फोर, फोर के बाद कितने आते हैं? फाइव। फाइव के बाद सिक्स। तो यहाँ कितना आ जाएगा? सिक्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? सिक्स, ठीक है। कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? वन टू थ्री फोर। फिर कितनी है? टू है, तो टू के फोर के बाद कितने आते हैं? फाइव सिक्स। कितने आ जाएंगे? सिक्स। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? सिक्स आ जाएंगे। फिर देखो ये थ्री है, ये थ्री है, कितनी लाइन ड्रॉ करनी है हमें? थ्री, वन टू थ्री। कितनी करनी है? थ्री, वन टू थ्री। थ्री के बाद कितने आते हैं? फोर। ये थ्री है, थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स। देखो वन टू थ्री, थ्री लाइन हो गई। थ्री के बाद आते हैं फोर फाइव सिक्स। थ्री तक की लाइन खींचे ना, तो यहाँ हो जाएंगे सिक्स। कितने हो जाएंगे यहाँ पे? सिक्स हो जाएंगे। फिर है ये थ्री है और ये फाइव है, कितनी लाइन बनाएंगे? वन टू थ्री फोर फाइव। आगे कितनी बनानी है? थ्री, वन टू थ्री। अब आपको काउंट
कैसे करना है, फाइव के बाद कितने आते हैं, सिक्स आते हैं, डिजिट कितनी है, थ्री है, तो थ्री तक हम कितने करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद आता है सिक्स, सिक्स के बाद आता है सेवन, सेवन के बाद आता है एट, तो कितने हो जाएंगे, फाइव सिक्स सेवन एट, कितने हो जाएंगे, एट हो जाएंगे। देखो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद थ्री लाइन है, तो फाइव के बाद सिक्स सेवन एट, कितने हो जाएंगे, एट आ जाएंगे। फिर है फोर टू, फोर टू का हो गया फाइव फोर सेवन और थ्री, कितनी लाइन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितनी बना ली, सेवन, थ्री एंड करना है, वन टू थ्री, अब ध्यान रखना है सेवन के बाद थ्री तक कितने आते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन हो गया, सेवन के बाद थ्री तक कितने, सेवन के बाद आते हैं एट नाइन और टेन, कितने हो गए, टेन, ये हो गए टेन। ध्यान क्या रखना है, सेवन लाइन ड्रॉ करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब सेवन के बाद थ्री लाइन की है, तो सेवन के बाद कितना आता है, एट नाइन टेन, तो कितने हो जाएंगे, टेन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, टेन आ जाएंगे। ठीक है, फिर है कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है, फाइव लाइन बना ली, इधर भी फाइव है, फाइव बनानी। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव ये है, फाइव से आगे भी फाइव है, तो फाइव के बाद कितने आते हैं, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फाइव तक फाइव में ऐड करेंगे तो कितने आ रहे हैं, टेन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, टेन। कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन हो गई, नाइन के बाद कितने हैं, वन है, तो वन और ड्रॉ करेंगे, तो देखो ध्यान रखना है नाइन के बाद कितने आते हैं, और नाइन में वन तक ही काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और ये हो गया टेन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, टेन आ जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट, ये नाइन। अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन के बाद कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, थ्री करनी है, वन टू थ्री, अब नाइन के बाद कितने आते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन के बाद कितने आते हैं, थ्री तक, टेन इलेवन ट्वेल्व, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, ट्वेल्व आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ट्वेल्व आ जाएंगे, कितने आ गए, ट्वेल्व आ गए। ठीक है, फिर आगे इस तरह से हम आगे करते हैं, कितने लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ऐड करेंगे, कितनी करेंगे, ऐड लाइन्स ड्रॉ करेंगे, तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितनी ड्रॉ की है, एट, एट के बाद टू और करनी है, वन टू, एट के बाद टू लाइन ड्रॉ कर ली, तो एट के बाद कितने आते हैं, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट के बाद कितने आते हैं, नाइन और टेन, टू लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितना आ जाएंगे, टेन आ जाएंगे, टेन, कितने हो जाएंगे, टेन। फिर देखो
इलेवन पे है सिक्स लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितनी है, सिक्स। सिक्स के बाद सेवन कर लो, चाहिए पहले सेवन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 सेवन लाइन ड्रॉ कर ली। सेवन के बाद सिक्स तक कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 सिक्स और ये सेवन। सेवन के बाद सिक्स तक कितने आते हैं, 8 9 10 11 12 और ये 13, कितने हो गए, 13, कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ करके एडिशन करने हैं। ठीक है, कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, सेवन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी करेंगे, सेवन, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन के बाद, सेवन के बाद एट आती है, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन हो गई, सेवन ही आ गया। तो सेवन के बाद कितने काउंट करेंगे, 8 9 10 11 12 13 और ये 14, कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। कितनी लाइन काउंट करेंगे, सेवन, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन के बाद वन और है तो वन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन के बाद वन तक कितने आते हैं, एट आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, एट आ जाएंगे। फिर है 1 2 3 4, फोर के बाद थ्री, 1 2 3 अब फोर के बाद थ्री तक कितने आते हैं देखो, 1 2 3 ये फोर, फोर के बाद थ्री तक कितने आते हैं, 5 6 7 कितने आ जाएंगे, सेवन आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, सेवन, 4 1 2 3 4 फोर ही और करना है, 1 2 3 4 फोर के बाद देखना है, फोर तक करो, 1 2 3 4 फोर के बाद फोर काउंट करेंगे, 5 6 7 8 तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे एट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, एट। ये हो गए आपके एडिशनल विद लाइंस। अब मैं आपको देती हूँ होमवर्क में, ठीक है, अब मैं आपको इनको यहाँ पे होमवर्क डाल देती हूँ। इसमें कुछ आ भी गए होंगे, इनके आपको एडिशनल करने हैं नोटबुक में। किस में करने हैं इनके आपको, नोटबुक में करने हैं। किस प्रकार से, जैसे मैंने बताया आपको लाइन ड्रॉ करके आप फिंगर से भी कर सकते हो। देखो थ्री है, जैसे 1 2 3 कर लिया, फिर थ्री के बाद कितने, 2 2 तक काउंट करो, 4 5 कितना आ जाएंगे, 5। सेवन लाइन ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन के बाद थ्री और करना है, सेवन के बाद 8 9 और ये 10, 3 तक। इस प्रकार से आपको करनी है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से आप इनको लाइन ड्रॉ करके आप इनके एडिशनल लाइन से कर सकते हो। आप देखो ये है 9 और ये भी 9 है, 9 और 9 काउंट करनी है, 9 लाइन खींचोगे, 1 2
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन और बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन ये हो गई। नाइन के बाद नाइन तक काउंट करना है तो कितने आते हैं, नाइन के बाद टेन आते हैं, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और ये एट्टीन, कितने आ जाएंगे यहाँ पे, एट्टीन आ जाएंगे। इस प्रकार से जितनी लाइन हमने काउंट किए उससे आगे काउंट करना है, उससे आगे क्या करना है, काउंट करना है। जैसे नाइन कर दिया, नाइन लाइन ड्रॉ कर दी, फिर नाइन ही और ड्रॉ करके, तो नाइन से आगे वाली डिजिट कौन सी होती है, टेन होती है। तो इस प्रकार से हमें इनको क्या करना है, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इस प्रकार से हमें इनको करना है, ठीक है। ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये। फिर देखो कितनी लाइन ड्रॉ करोगे, नाइन करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब नाइन और एट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नाइन तो ये हो गई। नाइन के बाद एट तक कितने आते हैं, नाइन के बाद कितने आएंगे, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और ये सेवनटीन। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, सेवनटीन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, सेवनटीन। इस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। फिंगर से करोगे तो मैंने बता ही दिया है, जैसे ये फाइव है, फाइव में वन ऐड करना है, तो फाइव के बाद कितने आते हैं, सिक्स आते हैं, तो फाइव और वन कितने हो जाएंगे, सिक्स आ जाएंगे। ये टू है, टू में हमें टू और करने हैं ऐड, वन टू, टू के बाद कितने हैं, टू ही ऐड करने, तो टू टू तक हमें क्या करना है, बोलना है वन टू, टू के बाद थ्री और फोर, तो कितने हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम फिंगर से भी कर सकते हैं, वन टू थ्री, थ्री और थ्री ऐड करना है, वन टू थ्री, थ्री के बाद थ्री लाइन और करनी है, वन टू थ्री, तो हम थ्री के बाद वन टू थ्री, थ्री के बाद थ्री लाइन ऐड करी, तो थ्री के बाद हम फोर, फोर से बोलेंगे फोर फाइव और ये सिक्स, तो कितने हो जाएंगे, सिक्स हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इनको फिंगर से भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये होमवर्क में करना है, ये भी, ये मैंने इनके आंसर बता दिए यहाँ पे किस प्रकार से करना है, ये आपको नोटबुक में क्या करना है, आपको इनको राइट करना है। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से आप इनकी लाइन ड्रॉ करोगे और किस प्रकार से आप इनको फिंगर में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम फिंगर से सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइन से तो कहीं हमसे कोई भी पूछ लेगा तो हम कहाँ लाइन को खींचने बैठेंगे, वन टू थ्री कहाँ, हमारे पास हाथ में पेन हो ना हो, पेंसिल हो ना हो, इससे अच्छा हमें फिंगर से भी आना चाहिए। तो फिंगर अपने हाथ में है, लाइन्स भी अपने हाथ में है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इस प्रकार से हम काउंट करके कितने ऐड कर रहे हैं, कितने करने हैं, उनको छोड़ के उससे आगे वाली संख्या को हमें बोलना है और फिर उसको राइट करना है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।